Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss regulation of fatty acid oxidation. क्या डिस्कस करने वाले हैं? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का रेगुलेशन कैसे होता है. सो जो हम डाइट लेते हैं, अगर ये डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच है तो क्या होगा? अगर ये डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच है, ये क्या करेगा? रेडी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा. रेडी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा एज ए फ्यूएल. और अगर एज ए फ्यूएल कार्बोहाइड्रेट रेडी सोर्स में प्रोवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अननेसेसरी होंगे. क्या होंगे? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अननेसेसरी होंगे. क्यों अननेसेसरी होंगे? क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कंज्यूम करता है प्रीशियस फ्यूएल को. दैट्स व्हाई बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड शुड बी रेगुलेटेड. सो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का रेगुलेशन कैसे होता है? रेगुलेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता कहाँ है. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है. और लीवर जिस सेल से बने होते हैं, उस सेल को क्या बोलते हैं? उस सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स. लीवर के सेल को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं. सो दिस इज द लीवर सेल. और लीवर सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होगा, साइटोसोल होगा एंड अदर ऑर्गेनल्स होंगे. और ऑर्गेनल्स में क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी एपरेटस एंड अदर ऑर्गेनल्स. सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है. क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है. एंड दिस इज द साइटोसोल. सो हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में फ्री एसाइल को एंजाइम ए बनता है. क्या बनता है? फ्री एसाइल को एंजाइम ए. अब इस एसाइल को एंजाइम ए का दो फेट है. या तो ये इंटर करेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. कहाँ जाएगा? या तो ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या फिर ये साइटोसोल में ही रहेगा. अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करेगा उसका क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करेगा, दैट इज कमिटेड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन. लेकिन जो साइटोसोल में फ्री एसाइल कोएंजाइम ए रहेगा, उसका क्या फेट होगा? वो फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा. किस चीज में इन्वॉल्व होगा? फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा. और फैटी एसिड की अगर सिंथेसिस होती है, तो वो अल्टीमेटली लिपिड बनाता है. और लिपिड दो फॉर्म में होगा, या तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होगा या फिर फॉस्फोलिपिड होंगे. क्या होंगे? या तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होगा या फिर फॉस्फोलिपिड्स होंगे. सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो ये एसाइल को एंजाइम ए है, ये बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में जाएगा? और ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है रेट पे. किस चीज के रेट पे? कि फैटी एसाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में किस रेट से इंटर करता है. और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैटी एसाइल को एंजाइम इंटर करता है एक मैकेनिज्म के थ्रू, और उस मैकेनिज्म को बोलते हैं कार्निटीन शटल. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्निटीन शटल. और ये कार्निटीन शटल थ्री स्टेप्स में होते हैं. कितने स्टेप्स में होते हैं? थ्री स्टेप्स में. सो दीज थ्री स्टेप्स आर रेगुलेटरी पॉइंट फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेगुलेशन इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का रेगुलेशन कैसे होता है. सो जब डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच होगा तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. और जब ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ये ट्रिगर करेगा इंसुलिन के रिलीज को. और इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या होगा? इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. और ये इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन फॉस्फेटेजेस को एक्टिव करेगा. और जब इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन फॉस्फेटेजेस एक्टिव होंगे, तो ये एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज
को डीफॉस्फोराइलेट करेगा। नॉर्मली ये एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज जो होते हैं वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होते हैं और फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन फॉस्फेटेजेस इसको डीफॉस्फोराइलेट करेगा और डीफॉस्फोराइलेशन के बाद जो एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है ये एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। एंड एक्टिव एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज का क्या फंक्शन है? ये एसिटाइल को एंजाइम ए को माइलोनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? एक्टिव एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एसिटाइल को एंजाइम ए को माइलोनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा। अब ये माइलोनाइल को एंजाइम ए क्या करेगा? ये माइलोनाइल को एंजाइम ए फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के रेगुलेटरी एंजाइम और की एंजाइम को इनहिबिट करेगा और वो क्या है? कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 क्या हुआ? कैट 1। और ये कैट 1 कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे। और इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? फैटी एसाइल को एंजाइम ए को कार्निटिन से टैग करता है। किसे टैग करता है? कार्निटिन से टैग करता है और क्या बनता है? फैटी एसाइल कार्निटिन। अब ये फैटी एसाइल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के लिए कमिटेड हो जाता है। मींस जैसे ही फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का टैगिंग होता है कार्निटिन के साथ, ये फैटी एसाइल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करता है एंड प्रोसीड करता है फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। दूसरा केस क्या है? जब डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा तो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करेगा और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करेगा तो क्या होगा? ग्लूकागोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और ये ग्लूकागोन क्या करेगा? एटीपी से साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस करेगा। अब ये साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और जब साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन ये इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। किसको एक्टिवेट करेगा? साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। एंड साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कौन सा है? साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज इज प्रोटीन काइनेज ए। और जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होगा ये क्या होगा? जो डीफॉस्फोराइलेटेड एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज हैं इनको फॉस्फोराइलेट करेगा और फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव होता है और जैसे ही ये इनएक्टिव हो जाएगा माइलोनाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस बंद हो जाएगी और इनका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा और माइलोनाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन जैसे ही लो होगा कैट 1 का इनहिबिशन रिलीव हो जाएगा और फैटी एसाइल को एंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन में प्रोसीड करेगा। इस चीज को एक और पॉइंट से कोरिलेट कर सकते हैं और वो क्या है? जब डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल वेल प्रोसीड होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल वेल प्रोसीड होगा। और जब ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल वेल प्रोसीड होगा तो क्या होगा? सेल्स में NADH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स में जो NADH एंड NAD+ का रेशियो है वो क्या होगा? ये हाई होगा। और जब सेल्स में NADH एंड NAD+ का रेशियो हाई होगा तो ये क्या करेगा? ये बीटा ऑक्सीडेशन के एक एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा और वो एंजाइम क्या है? वो एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज है। इस एंजाइम का क्या काम है? जो डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड होता है तो वहां पे एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है और ये कीटोन बनाता है क्योंकि ये जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो कार्बन इंटरमीडिएट पोजीशन में होता है। सो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए इनहिबिट कर जाएगा जब सेल्स में NADH एंड NAD+ का रेशियो हाई होगा। इसके अलावा एक और तरीके से रेगुलेशन होता है एंड दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए। जब सेल्स में एसिटाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये क्या करेगा? थियोलेज एंजाइम को इनएक्टिव करेगा। क्या करेगा? थियोलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा।
एक कंडीशन और भी है, जब विग्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस केस में क्या होता है, जब विग्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एटीपी का कंसंट्रेशन फॉल होता है, क्योंकि एटीपी यूज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो जब विग्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटीपी का कंसंट्रेशन फॉल होगा एंड एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या होगा, एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि एटीपी यूज हो रहा है, इट मीन्स कि एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ये एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये एएमपीके को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, एएमपीके को एक्टिवेट करेगा। एएमपीके क्या है, एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, और जब एएमपीके एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा सेवरल एंजाइम्स को। ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा सेवरल एंजाइम्स को, इंक्लूडिंग एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, जो कि मेलोनाइल को एंजाइम ए की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। एंड दिस फॉस्फोराइलेशन एंड द इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ मेलोनाइल को एंजाइम ए, और जब मेलोनाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन लो होगा तो बीटा ऑक्सीडेशन का जो रेगुलेटरी एंजाइम है कैट वन, उसका इनहिबिशन रिलीव होगा और फैटी एसाइल को एंजाइम ए जो है बीटा ऑक्सीडेशन में प्रोसीड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस एंड देयर ब्रेकडाउन। इनके अलावा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एक और तरीके से रेगुलेट होता है, और वो क्या होता है, एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में क्या होता है कि जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का एंजाइम है उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। क्या होते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो एंजाइम है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व है दैट इज PPAR फैमिली ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। वो क्या है, PPAR फैमिली ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। PPAR stands for peroxisome proliferator activated receptor, peroxisome proliferator activated receptor, PPAR stands for peroxisome proliferator activated receptor. This PPAR family receptor affects many metabolic processes in response to a variety of fatty acids. PPAR का एक type है, that is PPAR alpha. अब इस PPAR alpha किस पे act करता है, ये act करता है muscle पे, adipose tissue पे and liver पे। PPAR अल्फा किस पे एक्ट करता है, मसल पे, एडिपोज टिश्यू पे एंड लीवर पे। और जब ये एक्ट करता है तो क्या करता है, ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के इसेंशियल जीन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के इसेंशियल जीन को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट करता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के इसेंशियल जीन को, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का इसेंशियल जीन क्या है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर, सेकेंड वन इज द कैट वन एंड कैट टू। कैट वन एंड कैट टू स्टैंड फॉर कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज वन एंड कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज टू, एंड थर्ड वन इज द ऑल आइसोजाइम्स ऑफ फैटी एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। फैटी एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज के 3 आइसोजाइम्स होते हैं, एंड इच इज स्पेसिफिक फॉर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग एसाइल चेन्स। सो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो इसेंशियल जीन्स है दैट इज फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर, कैट वन एंड कैट टू एंड ऑल आइसोजाइम्स ऑफ फैटी एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। और ये कब ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर होता है 2 कंडीशन में। फर्स्ट वन इज द ड्यूरिंग फास्ट बिटवीन मील। क्या, ड्यूरिंग फास्ट बिटवीन मील। दूसरा कंडीशन ये है लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन के टाइम पे ये एक्टिवेट होता है। सो ब्लड ग्लूकोज जब लो होता है तो क्या होता है, ग्लूकागॉन रिलीज होगा। क्या होगा, ग्लूकागॉन रिलीज होगा, और ग्लूकागॉन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस करेगा, और दूसरा CREB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ये दोनों क्या करेगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के जीन्स को एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा,
फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के जीन्स को एक्टिवेट करेगा। एक और सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन है ट्रांजिशन फ्रॉम फीटल टू नियोनेटल। क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम फीटल टू नियोनेटल। फीटल से नियोनेटल में जब ट्रांजिशन होता है तो उस केस में हार्ट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो चेंज होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। और जब हार्ट का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है तो उस टाइम क्या होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो एंजाइम है उनके एक्सप्रेशन में मेजर चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, फीटल से जब नियोनेटल में ट्रांजिशन होता है तो उस टाइम में हार्ट का मेटाबॉलिज्म में चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स का जो एक्सप्रेशन है उसमें मेजर चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस क्या होता है, फीटल के केस में जो प्रिंसिपल फ्यूल है हार्ट के लिए वो क्या होता है, ग्लूकोज एंड लैक्टेट। फीटल के केस में ग्लूकोज एंड लैक्टेट इज द प्रिंसिपल फ्यूल फॉर हार्ट, बट इन केस ऑफ नियोनेटल हार्ट के लिए जो प्रिंसिपल फ्यूल होते हैं दैट इज फैटी एसिड्स है। सो जब फीटल से नियोनेटल में ट्रांजिशन होगा, चेंज क्या होता है, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन। अब फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन की जब जरूरत पड़े तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। सो नियोनेटल के केस में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और वो कौन एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा PPAR अल्फा फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। PPAR अल्फा फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, PPAR अल्फा फैमिली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा। क्या होगा, PPAR अल्फा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा और ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के इसेंशियल जीन्स को एक्टिवेट करेंगे जिससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, please do like, share and subscribe, and if you have any doubt, query and suggestion, please let me know in the comment section.